सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोवा व्लॉग्स। सो बड़े दिन बाद आज हम निकले हैं अपने कैमरा लेके व्लॉगिंग पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 दिन हो गए हमने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी सोचा भाई बहुत हो गया, अभी वीडियो बनाना पड़ेगा। और मैं नहीं बना रहा था इसीलिए क्योंकि मेरा एक माउंट टूट गया था, जो पूरा अटैचमेंट रहता है यहाँ पे गोप्रो में, जिस पे आप देख पा रहे हो वही टूट गया था उसके वजह से। और चलो कोई बात नहीं, वो तो होते रहता है। तो आज अपन ने वो माउंट ले लिया, अब से व्लॉगिंग डेली आते रहेंगे। और आपका भी काम है प्यार दिखाना, क्योंकि एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मायने करता है हमारे लिए। इससे हम लोग का एल्गोरिथम भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और आपको तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, और अच्छा लगे तो ज़रूर से एक कमेंट करो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, जिसके वजह से हमको पता चले। सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसके वजह से मैं अपने अगले व्लॉग में वो चीज़ इम्प्रूव करूँ, वो चीज़ ना करूँ जो आपको अच्छी ना लगे। सो आज का कॉन्टेंट होने वाला है अपनी ड्यूक 200 BS6 के एग्जॉस्ट के बारे में, क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। अभी फ़िलहाल के BS6 मॉडल में आप देखने जाओगे 200 में, तो ये सबसे बेस्ट बाइक है। ड्यूक 200 BS6 सबसे ऊपर ये आती है टॉर्क के मामले में, सबके मामले में, पावर के मामले में, यहाँ तक कि NS और RS को भी इसने पीछे छोड़ा है। अभी NS का कैसा है, वो टॉप एंड ज़्यादा मारती है, पर इसका कैसा है, ये भागती बहुत जल्दी है, इसका पिकअप बहुत अच्छा है। और इसमें जो कमी है, बस खाली आवाज़ की कमी है। आज जो ये गाड़ी में कमी है इसके एग्जॉस्ट के साउंड की, वो भी आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज हम अपनी गाड़ी पे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले ना, ये गाड़ी पे हम कराने वाले हैं 3 से 4 होल साइलेंसर पे। और ऐसी वीडियोस आपने YouTube पे ज़रूर से देखी रहेगी, तो भी अगर आप YouTube पे ऐसी वीडियोस देखोगे तो आपको मतलब यकीन नहीं होएगा और आपका दिल नहीं करेगा कि मैं अपनी गाड़ी में ऐसी चीज़ करूं। आपको लगेगा अभी स्टॉक एग्जॉस्ट है, कुछ कर दिया मैंने, होल कर दिया, उसके बाद वो ठीक होगा नहीं होगा, आवाज़ मेरे को पसंद आएगी नहीं आएगी, क्या मालूम। तो आज तुम्हारा भाई पूरी एक्सपीरियंस करेगा और आपको भी एक्सपीरियंस कराएगा कि भाई ये सेफ़ है कि नहीं अपनी गाड़ी के लिए, और अच्छा है कि नहीं। अच्छा तो है जहाँ तक मेरे को मालूम है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, वरना गाड़ी से प्यार तो भाई हर किसी को होता है, और मेरे को तो भाई बहुत प्यार है इससे, क्योंकि मेरा सब कुछ इससे ही है। मैंने जितने भी अब तक सब्सक्राइबर्स कमाए हैं सब कुछ इसकी वजह से है, तो इसको तो मैं आज आने दूंगा नहीं। ओ भाई, ये साइकिल वाला क्या कर रहा है राइट लेफ्ट हो रहा है एक बारी को तो लगा भी डाल ही देगा भाई। तो होल कराएंगे और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसी आवाज़ रहती है। और मैं ये करना इसीलिए प्रीफेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो अपनी गाड़ी का साउंड है वो एग्जैक्टली BS4 जैसे तो नहीं, पर थोड़ी बहुत BS4 जैसी साउंड करेगी, ड्यूक 200 BS4 जैसी। और आपको तो पता ही है ड्यूक 200 BS4 की आवाज़ कैसी है। तो और एग्जॉस्ट डालने के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद साइलेंसर भी कितनी बार ढीले हो जाते हैं, नट उसका गिर जाता है, वो संभालो। और एग्जॉस्ट कैसा कभी कभी ज़्यादा भी लाउड हो जाता है, इससे अच्छा साइलेंसर में 2 होल करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हो तो आपका जो कंपनी वारंटी रहती है, इंश्योरेंस वारंटी रहती है, वो क्लेम नहीं होती है। और अगर आप ये होल कराते हो तो ये चीज़ आपको क्लेम कर सकते हो आप। और ये चीज़ मैंने मेरे शोरूम में भी पूछी है कि ये क्लेम होगी कि नहीं होगी, उन्होंने बोला हाँ बिंदास करो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। मेरे को तो बस मेरी गाड़ी में BS4 जैसी साउंड चाहिए, एग्जैक्टली BS4 जैसी ना आवे तो भी चलेगा, पर थोड़ी बेस वाली साउंड बढ़ जाए तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। सो तुम्हारा भाई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है अपनी गाड़ी पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, डायरेक्ट मिलता हूँ आपको दुकान पर। सो अभी जो मैं मैकेनिक के पास जा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, उसने पहले भी एक दो बंदे का साइलेंसर पे होल कर चुका है, तो उससे मैंने पूछा कि कुछ होता है या नहीं होता है, तो उसने बोला साउंड तो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, इतनी भी नहीं बढ़ती पर थोड़ी बढ़ जाती है। तो मेरे को वही चाहिए, मेरे को ज़्यादा भी साउंड नहीं बढ़ानी जिसके वजह से मैं कोई गाड़ी चलाऊँ तो मेरे जो अगल बगल जो गाड़ी चलाते रहेंगे वो इरीटेट हो जाए मुझसे और गाली बके। मेरे को बस स्टॉक साउंड चाहिए,
BS4 की भले उसके जैसी ना आवे तो भी चलेगा, पर बेस वाली साउंड आ जाए ना तो भी भाई बहुत हो गया मेरे लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और मेरे को पता है कि आधे से ज़्यादा बंदे मेरे को इसीलिए देखते ताकि उनके पास भी सेम बाइक है, ड्यूक 200 BS6 है, या फिर जिसको ड्यूक 200 BS6 लेने वाले हैं, या फिर जिनको इंटरेस्ट है। पर मोस्ट ऑफ तो मेरे को पता है इसीलिए देखते ताकि मेरे पास भी ये है, मैं चलाता हूँ इसीलिए देखते। तो भाई लोग ये व्लॉग तुम्हारे लिए, तो ज़रूर से देखना, क्योंकि ये गाड़ी में बॉस कोई कमी नहीं है, कोई मतलब कोई भी कमी नहीं है, मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ ना ये गाड़ी से, खाली एक साउंड की कमी है, वो भी आज पूरी कर देंगे, और आपको ही बताएंगे कि ये सेफ है कि नहीं करना। और बाकी तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के वीडियो भी आएंगे आगे, जिसमें मैं बताऊँगा, क्योंकि ये गाड़ी लेके अभी मेरे को 9 to 10 months हो गए हैं। मैंने सोचा था एक साल बाद कराऊंगा ये सब, पर क्या करें भाई, रहा नहीं जाता। और वैसे भी कल संडे राइड है, तो आज पूरी कर ही लेते हैं, जिसके बाद अपन लंबा टूर भी मारेंगे, तो अपने को पता चलेगा कि हाईवे पे कितना मज़ा आता है। भाई ये स्पीड पे कर देखो, ये गाड़ी का ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, जिसके वजह से ऐसे स्पीड ब्रेकर्स में थोड़ा क्रॉस में लेनी पड़ती है या फिर आराम से लेनी पड़ती है, वरना तो भाई खाट खाट खाट। सो यही शॉप है, यहाँ पे कराएंगे, इधर नहीं इधर नहीं, इधर होल करने का है, ये काउल निकाल के इधर होल करने का है, हो जाएगा। पहले बात करके रखा, आपने किया है ना पहले भी एक दो गाड़ी का। सो यहाँ पे खाली ये खुलेगा, ड्रिल कराने हम किधर और जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वो ड्रिलिंग वाली मशीन है नहीं, तो वहाँ पे जाके कराएंगे। सो देखो ये पूरा निकाल दिया है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का ये काउल, और ये देखो पूरा लाल हम लाल है भाई, हाथ लगाना यहाँ पे, जोर से लगाना, एक दो बार रखना, एक दो सेकंड। सभी यहाँ पे ही छेद कराएंगे, इधर 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 इधर, हाँ यहाँ पे चार जगह छेद कराएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ उससे आवाज़ बढ़ जाएगा। ये जावा है, 90s की गाड़ी, कभी की 90s की है भाई, 90s समझ, पक्का है ना, वरना कमेंट में गाली पड़ेगी मेरे को। किक वाला सिस्टम ऐसा है ना, वो गियर ऊपर करके आ दे, वो रहा ना, कर ले बात कर ले इसके बारे में, फोन करता एक बार। सभी यहाँ पे आए हैं, उधर से यहाँ पे करेंगे, और ये रही अपनी प्यारी नोवा, और ये देखो ये विंगलेट होल मारने का भाई, हाँ यहाँ पे हाँ आवाज करने के लिए, पहले तीन ही होल मारना, नहीं पहले तो दो ही मारना, हाँ पहले दो मार। सो यहाँ पे होल होएगा, सो आवाज़ तो आ रही है, पर थोड़ा और बड़ा करेंगे तो बेस का साउंड थोड़ा और आ जाएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी छोटा होल तो हमने कर दिया, पर अभी दो होल में ही हम लोग खाली बड़ा वाला करेंगे, बाकी के दो में नहीं करेंगे, इधर होल बड़ा करेंगे। हाँ मार, रुक रुक ये वाले में, हाँ एक दोनों पीछे के ही मार, हाय हाय हाय, BS4 है भाई ये तो। BS4 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है ना भाई लोग, एक नंबर है ना। चल भाई शुक्रिया, ये भाई ने किया एक नंबर काम। सो जब पहले चार होल किए थे छोटे छोटे, तो तभी मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, पर जब वो तीन होल जब बड़े किए ना, तब जो बेस की जो साउंड आई, BS4 जैसी साउंड निकलने लग गई। हाय हाय हाय, क्या साउंड है बॉस, क्या साउंड है, मज़ा आ गया, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। और मैं तो यही बोलूँगा, जिसके पास भी ड्यूक 200 है BS6, वो ये कराना चाहता है, बेशक करो, बिंदास करो, क्योंकि तुम्हारे भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को ही मालूम है, लोग वीडियो देख के करते नहीं है,
पर तुम्हारे भाई ने ट्राई किया और साउंड निकल के अच्छा आया, तो ज़रूर से करना। भाई साहब, व्हाट अ साउंड। इसको मैं जितना खींच रहा हूँ ना, उतना उसकी साउंड बहुत प्यारी निकल रही है। और तो चलाने में किसने मजा, अरे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या बोलूं। अभी सडनली बैटरी वाली बाइक से ऐसे साउंड वाली बाइक बन जाएगी तो मजा तो आएगा। अरे अभी सारे मतलब एक जो प्रॉब्लम था वो भी होगा सॉल्व। अभी खाली इसमें यही कमी थी आवाज की, बस। अल्टीमेट साउंड। सो बस गाइस, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। ये साउंड, ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा गया। साउंड कर रही है जैसे मैंने सोचा था वैसे ही कर रही है एग्जैक्टली। तो ज़रूर से कराओ अगर आपको कराना है तो बस मिलते हैं ऐसे ही एक मस्त व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।